साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि AWPL संस्था में कितने प्रकार से पेमेंट बनता है। अगर आप 27 SP से ज्वाइनिंग करवाते हैं सिस्टम के अंदर तो आपके लिए कितना पेमेंट मिलता है, 52 SP से करवाते हैं तो कितना पेमेंट मिलता है, और अगर 100 SP से आप संस्था के अंदर ज्वाइनिंग करवाते हैं तो आपके अकाउंट के अंदर कितना पेमेंट क्रेडिट होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल MLM उत्तम कुशवाहा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको AWPL से जुड़ी हर एक जानकारी, हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम 100 SP के बारे में जानेंगे कि 100 SP से ज्वाइनिंग करवाने पर हमारे लिए कितना पेमेंट मिलता है। तो सबसे पहले साथियों आपके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर 100 SP से ज्वाइन कर लेना है सिस्टम के लिए। 100 SP का प्रोडक्ट की अगर हम बात करें दोस्तों तो आपके लिए 17,000 से 18,000 रुपये के अंदर अवेलेबल हो जाता है। और जैसे ही दोस्तों आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपका 2 बिजनेस सेंटर ओपन हो जाता है, एक लेफ्ट और एक राइट। और जैसे ही दोस्तों आप 2 व्यक्ति के लिए एक लेफ्ट के अंदर 100 SP से ज्वाइनिंग करवाते हैं और एक राइट के अंदर 100 SP से ज्वाइनिंग करवाते हैं तो यहाँ पर आपका यह 1 पेयर मैच हो जाता है। और यहाँ पर जो आपका इनकम निकल के आता है दोस्तों वह आता है 1,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों 1,000 रुपये आपका यहाँ पर इनकम बन जाता है, जो आपका TDS और एडमिन चार्ज डिडक्ट होने के बाद नेट आपके अकाउंट के अंदर 950 रुपये क्रेडिट कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों 950 रुपये क्रेडिट कर दिया जाता है। और यह पेमेंट साथियों आपका देखा जाए तो वीकली, मतलब कि शुक्रवार के दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर ए व्यक्ति के लिए आपने ज्वाइन करवाया था, यहाँ पर बी व्यक्ति के लिए आपने ज्वाइन करवाया था, तो जैसे ही इन दो व्यक्ति को आपने ज्वाइन करवा दिया आपके लिए 1,000 रुपये मिल गया। और हर एक व्यक्ति का एक और डाउट रहता है कि ए व्यक्ति और बी व्यक्ति अगर व्यक्तियों के लिए ज्वाइन करवाएंगे तो क्या हमारे लिए पेमेंट मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों हमारे लिए बिल्कुल पेमेंट मिलेगा। मान लो ए व्यक्ति ने यहाँ पर अपने लेफ्ट और राइट के अंदर 2 व्यक्ति के लिए 100 SP से ज्वाइन करवा दिया तो ए वाले व्यक्ति के लिए यहाँ पर 1,000 का इनकम मिल जाता है। और बी व्यक्ति ने भी अगर ए और एक बी व्यक्ति के लिए 2 व्यक्ति को ज्वाइन करवा दिया तो बी वाले व्यक्ति को भी 1,000 रुपये का पेमेंट मिल जाता है। तो आपको साथियों यहाँ पर कितना मिलता है, ए व्यक्तियों का डाउट रहता है, तो यहाँ पर साथियों आपके लिए 2,000 रुपये का पेमेंट मिल जाता है। आपने कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी आपको 2,000 रुपये का संस्था आपके लिए पेमेंट देती है। चलिए दोस्तों ये तो हो गया 100 SP के बारे में पूरा डाउट आपका क्लियर। अब हम बात करते हैं 52 SP के बारे में कि 52 SP से 2 व्यक्ति को ज्वाइन करवाने पर आपके लिए कितना पेमेंट मिलेगा। तो मान लो साथियों यहाँ पर तो आपने 100 SP से ज्वाइन कर लिया था, अब आपके लिए कोई पैसा नहीं लगाना है, तो आपके लिए करना क्या है, यहाँ पर 52 SP से एक व्यक्ति के लिए लेफ्ट के अंदर और 52 SP से एक व्यक्ति को राइट के अंदर आपके लिए ज्वाइन करवा देना है। जैसे ही आप 2 व्यक्ति के लिए यहाँ पर ज्वाइन करवाते हैं लेफ्ट और राइट के अंदर तो आपके लिए साथियों यहाँ पर पेमेंट निकल के आता है 500 रुपये का। कितने का दोस्तों, 500 रुपये का आपका पेमेंट निकल के आता है, जिसमें से आपका TDS डिडक्ट होने के बाद नेट आपके अकाउंट के अंदर 475 रुपये क्रेडिट कर दिया जाता है शुक्रवार के दिन। इसी प्रकार से दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं 27 SP के बारे में कि मान लो दोस्तों आपने 27 SP से 2 व्यक्ति को ज्वाइन करवा दिया सिस्टम के अंदर तो आपके लिए कितना पेमेंट मिलेगा। तो मान लो साथियों यहाँ पर आपने एक व्यक्ति को लेफ्ट के अंदर 27 SP से ज्वाइन करवा दिया और एक व्यक्ति को राइट के अंदर 27 SP से ज्वाइन करवा दिया तो आपका जो पेमेंट निकल के आएगा दोस्तों वह आएगा 250 रुपये का। कितने का दोस्तों, 250 रुपये का, जिसमें से आपका TDS डिडक्ट होने के बाद नेट आपके अकाउंट के अंदर पेमेंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो साथियों ये तो था आपका पेमेंट से संबंधित डाउट जो आपके लिए मैंने क्लियर कर दिया। अब चलिए दोस्तों एक और सबसे बड़े डाउट के बारे में मैं आपके लिए बता देता हूँ, जिसके लिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा कॉलिंग्स आती हैं कि उत्तम सर यह कैपिंग क्या है, कैपिंग के बारे में बताइए, यह कैपिंग का मतलब क्या होता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए कैपिंग के बारे में भी बता देता हूँ। तो दोस्तों कैपिंग का मतलब एक प्रकार से आप मान के चलिए कि लिमिट का मतलब समझ रहे हैं ना साथियों, कि आपके लिए उस लिमिट के आगे संस्था पेमेंट नहीं दे सकती। जैसे कि आप अगर 100 SP से ज्वाइनिंग करते हैं तो 100 SP से ज्वाइनिंग करने के बाद क्या है दोस्तों, आप 1,50,000 रुपये वीकली और महीने का यहाँ पर देखा जाए तो 6,00,000 रुपये आप महीने का कमा सकते हैं। यहाँ पर यह क्या होती है दोस्तों,
एक लिमिट होती है कि 100 SPC से आपने ज्वाइनिंग किया है तो आप 1.5 लाख रुपया वीकली पेमेंट और 6 लाख रुपया महीने का पेमेंट कमा सकते हैं। और अगर आपने दोस्तों 52 SPC से ज्वाइन किया है तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों आप 1 लाख रुपये वीकली और 4 लाख रुपये आप महीने का कमा सकते हैं। और अगर आपने 27 SPC से ज्वाइन किया है दोस्तों तो आप 50,000 रुपये वीकली और 2 लाख रुपये आप महीने का कमा सकते हैं। ये भी डाउट मैंने साथियों क्लियर कर दिया। और अगर इसके अलावा और भी आपका कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिए या फिर कॉलिंग के माध्यम से मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और दोस्तों इसी के लिए मैं बोलता हूं आप सभी से कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको AWPL से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।